केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ जांच के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी में कई मंत्रालय के अफसर होंगे और कमेटी के प्रमुख होंगे प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर। ये कमेटी तीनों संस्थानों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA जैसे कानूनों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी। ये आरोप पिछले दिनों बीजेपी ने तब बेहद जोर शोर से उठाने शुरू किए थे जब कांग्रेस ने चीन की घुसपैठ के मसले पर मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। चीन के मसले पर कांग्रेस के सवालों का जवाब बीजेपी नेताओं ने नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी इन संस्थानों पर आरोप लगाकर दिया। हालांकि कांग्रेस इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताती रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन के जरिए। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। गृह मंत्रालय की तरफ से तो एक कमेटी बना दी गई है सर, अब जांच की जाएगी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार जब से आई है पहले दिन से वो इन्हीं उलझड़ों में पूरे देश को उलझाए हुए। मोदी सरकार आने के बाद आज तक एक FIR नहीं कर पाई किसी के भी खिलाफ, जांच के नाम पर केवल देश को गुमराह करने का काम करते हैं। सरकार आपकी जांच एजेंसी आपकी है, 6 साल तक आप सो रहे थे क्या? 6 साल से आप अकॉर्ड चल रहे थे, आप पहले ही जांच कर लेते, कौन मना कर रहा है? आज कोरोना के फ्रंट पर पूरी तरह से मोदी सरकार फेल हो गई, चाइना के फ्रंट पर पूरी तरह से फेल हो गई, नेपाल के मुख्य पर फेल हो गई, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। अब ध्यान भटकाने के लिए रोज नए शगुफे नए जिन्ह छोड़ दो और उनको फिर इस्तेमाल करते रहो। कुछ मीडिया के साथ ही वो पीछे से ढकली बजाते रहते हैं बीजेपी के लिए। मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कांग्रेस किसी जांच से नहीं करती है। आप जो कराना है करा लीजिए, आपकी एजेंसियां हैं, आप खुल के कराइए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए आलोक जी। आलोक जी बने रहिए हमारे साथ। अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ गई है बीजेपी से। अनिला जी स्वागत आपका। अनिला जी से संपर्क अभी नहीं हुआ है, फिर से साधने की कोशिश करेंगे उनसे संपर्क। लेकिन आलोक जी, मकसद क्या लग रहा है आपको? अगर आरोप है तो ठीक है, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कोई मना ही नहीं कर रहा। आप तो रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर भी 2013 में दामाद श्री पुस्तक लाए थे, उसका क्या हुआ? एक जमीन की म्यूटेशन कैंसिल नहीं कर पाए आप 7 साल के अंदर अभी तक। लोकसभा के चुनाव में फरवरी मार्च में रॉबर्ट वाड्रा जी को कभी जयपुर कभी दिल्ली बुलाया गया और लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद कोई नोटिस नहीं गया ईडी का, DRI का। जितना दुरुपयोग बीजेपी ने किया है इन तमाम संस्थाओं का लोकतंत्र की हत्या के लिए, किसी ने नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। आलोक जी हमारे साथ बने रहिए। अनिला जी जुड़ गई हैं, एक बार फिर जुड़ गई। अनिला जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी। यहाँ आपने सुना होगा आलोक शर्मा को, उनका कहना है कि आप फेलियर हुए कोविड को लेकर, चीन को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, और इसीलिए आप इस तरीके के पैतरे अपना रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन के आप जांच का आपने ऐलान कर दिया है, कमेटी गठित कर दी है। जवाब दीजिए। नहीं, अगर इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो घबरा किस बात के लिए रहे? अगर कोई गलत फंडिंग नहीं हुई है, गलत कोई काम नहीं हुआ है, तो इनको तो विचलित नहीं होना चाहिए ना। जो कार्रवाई करना चाहे कर ले। आपके ऊपर, हमारे ऊपर अगर कोई कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे तो क्या हम विचलित होंगे? अभी कर लो, या हमसे जुड़ी कोई फाउंडेशन है उस पर कहेंगे कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे? करो, कर लो, जो भी कागजात है दिखा दिए जाएंगे। अगर ये रिएक्शन आ रहा है ये पूरे कांग्रेस के प्रवक्ताओं, लीडर्स सबके द्वारा, तो साफ साफ ये जताता है कि दाल में कुछ काला है। आलोक जी, अनिला जी कह रही है दाल में कुछ काला है, आप घबरा क्यों रहे हैं? स्वागत कीजिए जांच का, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो। घबरा कौन रहा है? किसी कुप्रथा से, किसी कुप्रवृत्ति से कोई काम किया गया, उसका स्वागत कैसे किया जा सकता है? आपके मन में अगर मैलाफाइड इंटेंशन है तो उसका स्वागत कैसे किया जा सकता है? अनिला जी मेरी बहुत अच्छी मित्र है, बड़ी बहन की तरह भी है। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 7 साल के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है एक FIR भी क्यों नहीं कर पाए आप किसी के भी खिलाफ? जांच तो बहुत दूर की बात है, FIR तक नहीं कर पाए आप लोग। अनिला जी, अचानक ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? 6 साल थे आपके पास FIR कर लेते, दाल में कुछ काला है उनका कहना है। 6 साल पड़े थे, 6 साल से कुछ नहीं किया। अरे भाई, FIR तो जब मोदी सरकार जाएगी हम करके दिखाएंगे कैसे होती है। अनिला जी, घोटाले को बाहर निकालेंगे, घोटाले में उनको बाहर निकालेंगे। PM CARES फंड में जो 10,000 करोड़ चाइना से आया है उसको बाहर निकालेंगे। एक UP का गैंगस्टर तो पकड़ा नहीं जाता, इनसे दाऊद को लाएंगे घसीट के। मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, और जो बौखलाती है तो इस तरह के कदम उठाती है। आलोक जी जवाब नहीं लेते ना? अनिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है दूसरी लाइन पर। अनिला जी,
देखिए आलोक जी ने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे दी कि अगर आप सत्ता में नहीं रहोगे और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो हम आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो ये कहा, अभी ये कहा कि भाई 6 साल से एक भी एफआईआर क्यों नहीं करवाई। अब एफआईआर करवाना है नहीं करवाना है ये तो जांच के बाद एजेंसी तय करेंगी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होती है और कांग्रेस को उत्तर जो है इस देश की जनता ने दे ही दिया है। और अगर इनको लगता है, कांग्रेस को ये लगता है कि अगर कभी, वैसे तो ये सपना है, पर अगर कभी कांग्रेस आती है और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग चीजों के खिलाफ एफआईआर लिखाएगी तो सीधे सीधे दिखाई देता है कि इनके अंदर कितना ज्यादा कटु भाव है और बदले की भावना है। पर सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विचलित नहीं होती, क्योंकि ना तो हम गलत काम करते हैं ना करने देते हैं, और जिन लोगों ने किए हैं उनके खिलाफ तो एक्शन हो गई होगा। अब उसमें चाहे ये कहें कि आप जो है राजनीतिक विद्वेष रख रहे हैं, जी आप अनिल जी, लेकिन आलोक जी ये कह रहे हैं कि अचानक ये मुद्दा आप लोग कहां से उठा के ले आए, 6 साल थे आपके पास, आप करते रहते जांच, आप कम से कम एफआईआर ही कर लेते, वो ये कह रहे हैं। ना परेशान हो ना आप, 6 साल लगे, 7 साल लगे, 2 साल लगे, ये कोई विषय नहीं है। मैं तो एक ही चीज जानती हूँ कि कांग्रेस वालों को कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए अगर उनको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हुआ है। आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए, अनिल जी कह रहे हैं। इस पूरे देश को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, केवल बीजेपी को यहाँ पर सत्ता पे रहना चाहिए, क्योंकि जो सवाल पूछता हो तो देशद्रोही होता है, थोड़ी देर में आप भी देशद्रोही हो जाएंगे। सवाल भी मत पूछिए इनसे। तो हम कह रहे हैं साफ साफ, नोटबंदी, पीएम केयर्स फंड और राफेल और तमाम इतने बड़े बड़े घोटाले हैं जिनकी जांच होगी, और बिल्कुल भाजपा के लोगों को घसीट के जेल में डाला जाएगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं वक्तव्य दे रहा हूं, उसको आप बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए। चिदम्बरम साहब को जो परेशान किया है, जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर में जिनका नाम नहीं है, जिनके खिलाफ चार्जशीट नहीं है, एक गैंगस्टर पकड़ा नहीं जा रहा यूपी का, तमाम यूपी के लीडर्स बीजेपी के रेप के केस में जेल में अंदर पड़े हुए हैं, मुझे लगता है बीजेपी की पूरी तरह से बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं। अनिल जी, कांग्रेस सब कुछ याद रखा जाएगा और समय आने पर जवाब दिया जाएगा, आलोक जी का कहना। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल आलोक जी की बात आपको माननी चाहिए, और अगर आपका चैनल वाकई में सच्चा चैनल है तो हेडलाइन चलाएं कि आलोक शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को धमकी दी कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो बीजेपी के लीडर्स को घसीट घसीट कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर जेल में डालेंगे, चाहे केस हो चाहे ना केस हो। आप अभी से कैसे तय कर सकते हो? कहा मैंने पहले, एक बात समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की पार्टी है। राहुल गांधी जिस प्रकार से एडवोकेसी लगातार करते आए हैं इसकी, चाइना की, और जो इन्होंने स्टैंड रखा है भारतीय सेना और भारत के प्रति, वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है अच्छी तरीके से। अब उस बौखलाहट में ये कुछ भी कहें कुछ भी करें, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जांच हो जी जरूरत है तो बिल्कुल जांच होगी। चलिए चलिए, शुक्रिया अनिला जी हमसे जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों नेता हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस की और बीजेपी की, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं अब एक दूसरे को लेकर यही आरोप लगाने की बदले की भावना के साथ ये कार्रवाई हो रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से आलोक वर्मा जी यहां पर सवाल कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम एफआईआर करेंगे, ये बिल्कुल गलत है।